वो है ये तो पैर कार्बन का। हेलो भाइयों, मैं वंश त्यागी। भाई आज मेरे सामने खड़ी है महिंद्रा की XUV 300 पेट्रोल में खड़ी है भाई, W8 मॉडल। इसमें ना इसमें आपको मॉडल बताऊं तो इसमें W2, W4, W6, W8 और भाई टॉप वाला वेरिएंट है अपना पेट्रोल में जाता है W8। यहाँ पे बैजिंग मिल जाएगी आपको, चाबी दिखाऊं भाई गाड़ी की, ऐसी मिलेगी आपको सिंपल सी। इसमें आपको लॉक अनलॉक और बूट ओपन करने का फंक्शन मिलता है, अपना लॉक करने में गाड़ी लॉक हो जाएगी ऑटो फोल्डिंग ऑरम्स के साथ, और अनलॉक करने में भाई ऐसे। और भाई अगर बताऊँ ना इसमें तो मैं इसमें भाई अपना जो है बूट गेट ओपन करने के लिए आपको पीछे इसमें चाबी में मिल जाता सारा। और भाई ऐसी कुछ गाड़ी की लुक्स निकल के आती है यहाँ पर। अब भाई इस गाड़ी के जो मेन कंपटीशन में गाड़ियाँ हैं ना वो है जैसे सोनेट हो गई, क्रेटा हो गई, ब्रेजा हो गई, और यही दो चार गाड़ियाँ इसमें आती है, नेक्सॉन हो गई टाटा की एक। तो भाई उन सबसे ना इसमें खासियत है, इसमें आपको मिलती है बहुत तगड़ी पावर इंजन में, चाहे पेट्रोल की बात करो डीजल की, तो सबसे ज़्यादा पावर इसमें आपको मिलती है। यही रीज़न है भाई बहुत लोग इसकी तरफ जाते हैं, इसकी पावर की वजह से भाई इतनी तगड़ी पावर मिलती है आपको इसमें पेट्रोल डीजल में। पूछो मत भाई, ड्राइवर को मज़ा आता चलाने बिल्कुल। भाई इस गाड़ी के सारी फीचर बताऊंगा कि कैसी है। हाल फिलहाल भाई 2024 में इसका फेसलिफ्ट आने वाला है, कुछ एक दो महीने में इसका फेसलिफ्ट भी आ जाएगा। और मेरे सामने भाई पुराने लोगों वाली खड़ी, इसमें अब तो नया लोगो आता है महिंद्रा का, पर ये पुराने लोगों वाली है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। बाकी गाड़ी की स्पेसिफिकेशन सारी सेम है। सबसे पहले बात करूँ भाई गाड़ी के लुक्स की, तो यहाँ पे भाई सामने सबको ऐसी लाइट मिलती है इसमें ना, इसमें ऐसा अच्छी तरह चीता इंस्पायर डिज़ाइन आएगा बिल्कुल ऐसे। DRL भाई यहाँ से ऊँचा के ऐसे नीचे तक जाती है, और नीचे आपको फॉग लैंप मिल जाएगा, और भाई सामने भी सेंसर मिल जाएंगे आपको, एक ही साइड मिलेगा उस साइड मिलेगा, दो पार्किंग सेंसर आपको फ्रंट में मिल जाते हैं। और लाइट की उसकी बात करूँ सेटअप की, तो भाई एक प्रोजेक्टर मिल जाएगा और एक अपना हैलोजन मिल जाता है इसमें, और इंडिकेटर आपको साइड मिल जाएंगे। वही बात करूँ अगर टायर साइज़ की, तो भाई टायर कुछ ऐसे मिलेंगे अलॉय व्हील इसमें आपको, और साइज़ की बात करूँ 16 इंच के आपको मिलेंगे महिंद्रा के, अगले डिस्क मिलेंगे। और पिछले बात करूं पिछले भी भाई आपको डिस्क मिलते हैं, 4 डिस्क ब्रेक मिलेंगे इसमें आपको टॉप मॉडल में। सनरूफ इसमें आपको मिल जाती है भाई ऊपर की साइड अपना, और चाबी दिखाई देती मैंने आपको। एवर गाड़ी का इंटीरियर दिखा दूं मैं, अंदर से भाई गाड़ी कुछ ऐसी लगती है यहाँ पर। इसमें आपको डुअल टोन इंटीरियर आएगा ब्लैक और वाइट फिनिश में, और भाई सारे आपको ऐसे कंट्रोल्स मिलेंगे इसके, पावर विंडो के ऐसे बहुत है ना, ऐसे अलग से फिनिश आती है इसमें, सेटिन फिनिश दे रखी है, और ऐसी है भाई अंदर से गाड़ी अपनी, मतलब भाई लगती है गाड़ी है ना देखने में। उसमें जैसे बीच में दिखाऊं तो भाई आपको यहाँ पे ऐसा अपना आर्मरेस्ट मिल जाएगा, और भाई दो कप होल्डर आपको यहाँ मिल जाता है, हैंड ब्रेक भी ऐसा मिलता है आपको। ये भाई मेरे सामने है मैनुअल ट्रांसमिशन वाला, इसमें ऑटोमेटिक का भी आता है एक, बट मैनुअल में 6 फीट आपको मिल जाएगा। और यही सेम भाई आपको स्कॉर्पियन, थार, बुलेरो, नियो सब में ही ट्रांसमिशन मिलता है, चाहे स्कॉर्पियो क्लासिक ले लो, इनका 6 स्पीड का सबका आता है। और भाई ऐसा कुछ कंसोल है बीच का, हाँ भाई थोड़ा ये है कि 2024 के हिसाब से ना जो इसका सेंटर कंसोल थोड़ा ना लोगों को अजीब लगता है, मतलब पुराने पुराने साल हल्का फुल्का लगता है जैसे ना कंट्रोल थोड़े ना, ऐसे पुराने जमाने की गाड़ियों में ऐसे आते थे जैसे 8-9 साल पहले जैसे गाड़ियों में आते थे उस टाइप के। हाँ अब 2024 वाले में सारा चेंज हो जाएगा बीच का पूरा, तो अलग सा डिज़ाइन आ जाएगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। नीचे दिखाओ तो भाई USB का मिल जाएगा, और एक वहाँ मिल जाता है आपको, ये भाई थोड़ी बहुत यहाँ जगह मिल जाएगी आपको, यहाँ 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है दो कप होल्डर के साथ, ऐसा कुछ है भाई। और AC वेंट दिखाओ तो भाई गाड़ी कुछ ऐसे मिलेंगे आपको यहाँ पे, पूरा उसमें ना ग्लॉस ब्लैक फिनिश मिल जाएगी, इसे एडजस्ट कर सकते हो आप ऐसे करके। ये तो भाई डोर पैनल इसका, यहाँ पे आपको एक सेफ्टी लैम्प मिल जाता है ताकि रात के टाइम अगर आप गाड़ी गेट हाईवे पे कहीं हो तो गाड़ी गेट खोलो, तो सेफ्टी फीचर सही है वैसे सभी गाड़ी में आना चाहिए वाला। बात करूँ मैं गाड़ी के रियर स्पेस की, तो ऐसी भाई यहाँ पर वही 1 लीटर का बॉटल होल्डर मिल जाएगा, यहाँ थोड़ी बहुत देर स्पेस मिल जाएगी, सॉफ्ट टच मिलेगा आपको इसमें, पावर विंडो आपको मिली जाती है, और इन पर भी हल्का सा भाई क्रोम का फिनिश आएगा सही। अंदर बैठ के दिखाऊँ भाई स्पेस गाड़ी की एक बार, मैंने सीटें ना अपने हिसाब से सेट नहीं कर रखी आगे वाली, एक बार उसको कर लूँ मैं, ठीक है दिखाता हूँ भाई आपको अंदर जाके। मेरी हाइट भाई 6 फीट है, तो उस हिसाब से दिखाऊँ ना यहाँ पे भाई ऐसे कुछ आपको स्पेस मिल जाएगी। बात करूँ भाई नी रूम की, तो नी रूम भाई अच्छा खासा मिल जाता है आपको, थोड़ी सीट वैसी मैंने कर रखी, एक बार इसको और अच्छे से मैं कर लूँ, अगर मैं ऐसे कर लूँगा तो भाई नी रूम अच्छा खासा मिल जाएगा, और हेड रूम भी दिखाऊँ तो भाई काफ़ी सही है इसमें ना, अच्छी खासी स्पेस मिली जाती है आपको, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। और गाड़ी भाई कंफर्टेबल तो है ना इसमें, अच्छी खासी आपको स्पेस मिल जाती है। बीच में दिखाओ तो यहाँ पे भाई यहाँ कुछ कंट्रोल से मिलेंगे आपको AC के, इसमें ना जो रियर AC वेंट है वो नहीं आते इसमें, वो थोड़ी भी कमी लगती है आजकल सभी गाड़ियों में आ रहे हैं, इसमें रियर AC वेंट कमी है, वरना भाई गाड़ी दिखाऊँ तो पूरी यहाँ से सही आपको लाइट ऊपर मिल जाएगी इधर की साइड। और पीछे दिखाओ तो भाई बीच में आपको आर्मरेस्ट मिल जाएगा विथ डुअल कप होल्डर्स, और 3 एड्रेस मिलेंगे, मतलब बीच वाले पैसेंजर के लिए भी आपको एड्रेस मिल ही जाते हैं, ठीक है गाड़ी। वैसे ये है भाई इसका डैशबोर्ड का लुक, भाई भाई बता रहे ना आपको जो वाली बात है अपनी, बीच का जो सा कंसोल सा है ना थोड़ा अजीब सा लगता है देखने में, खुद देखो भाई अभी मैं स्टार्ट कर दिखाऊंगा अंदर से कैसा लगता है।
तो अजीब सा हल्का सा, हालांकि इसमें एप्पल कार प्ले एंड्रॉइड सब चल जाता है बीच में, वायर्ड है अपना, वायरलेस नहीं मिलता आपको, बट फिर भी थोड़ा बहुत लगता है भाई। और 2024 तक भी ना सेम ऐसी आ रहा है, मतलब थोड़ा महिंद्रा 2019 में गाड़ी लॉन्च हुई थी और अब तक ना 2024 हो गए ना, तो अपने भाई 5 साल हो चुके गाड़ी को लॉन्च हुए और 5 साल तक सेम ही इंटीरियर आ रहा था। थोड़ा बहुत चेंज करना चाहिए भाई महिंद्रा को। हालांकि गाड़ी अभी भी आराम से बिक रही है, लोग इसकी इंजन की पावर को देख के गाड़ी को स्पेशली खरीदते हैं कि पावर इतनी अच्छी मिलती है इस गाड़ी में, और सेफ्टी भी गाड़ी की अच्छी है, 5-star रेटेड सेफ्टी गाड़ी की भाई, स्ट्रॉन्ग गाड़ी है नेक्सॉन, ये अपनी एक्स यू 300 हो गई, बहुत बढ़िया बिल्ड क्वालिटी की गाड़ियाँ हैं ये, वही है। तो भाई गाड़ी के बूट स्पेस की, अब तो बूट ओपन कर दिखाता हूँ भाई कैसी कुछ स्पेस मिलेगी आपको। यहाँ पे कैमरा मिल जाएगा, रियर कैमरा और लाइट आपको दोनों मिल जाती है नंबर प्लेट की। उसके बाद यहाँ पे आपको बटन मिल जाएगा मैग्नेटिक अपना ओपन करने के लिए, ऐसी कुछ भाई गाड़ी की बूट स्पेस डिस्प्ले पर शो रही होगी। स्पेयर व्हील दिखाओ भाई गाड़ी का, तो नीचे ही साइड मिलेगा अपने, यहाँ पे ना उठा के स्पेयर व्हील, वैसे अभी थोड़ा सामान रखा हुआ है अभी यहाँ पर, वन में उठाता हूँ इसे तो भाई। और बाकी दिखाओ ना स्पेस, वैसे गाड़ी की ठीक ठाक है, आराम से ना एक बड़ा सूट के साथ जाएगा, 2 छोटे मोटे बैग भी आ जाएंगे, और वैसे भाई ठीक ठाक है गाड़ी। वैसे यहाँ से आपको हैंडल मिल जाएगा अपना बंद करने के लिए। कलर ऑप्शन भाई गाड़ी में आराम से आ जाते हैं, इसमें ना 8-9 कलर आ जाएंगे। ये मेरे सामने ब्लैक वाला खड़ा है, नेपोली ब्लैक नाम से इनका कलर आता है वो है ये। और भाई एक बार इंजन और दिखा दो मैं गाड़ी कैसी कुछ, यहाँ पे इंजन है और क्या कुछ गाड़ी की साउंड है। ये भाई अपनी XUV300 का पेट्रोल इंजन 1200cc का दिखाया था मैंने आपको, एमस्टेलियन नाम से इनका आता है। और ऐसी कुछ भाई गाड़ी की वाइब्रेशन है, ऊपर आपको इंसुलेशन मिल जाएगी प्रॉपर, और भाई अपना बोनट आपको मैनुअल मिलता है अपना, ठीक है। वैसे एक बार भाई रेस दें थोड़ा जाके, एक बार भाई रेस देके दिखाया कैसे कुछ आवाज़ है यहाँ पर। तो भाई ऐसे कुछ है, रिफाइंड इंजन है काफ़ी ना, सही मिल जाता है आपको क्रेटा वेटा से मामला देखा जाए तो। और ड्रैग रेस भी भाई ये जीत जाती है गाड़ी हमेशा ना, मतलब जो है क्रेटा होगी सोनेट होगी पिछड़े जाती है इस मामले में मैनुअल की अगर बात करूँ मैं। चला के दिखा रहा हूँ XUV300 को अभी, जैसे मैंने ना गाँव गाँव की गली वली में चलाया, तो भाई एक चीज़ मैंने नोटिस करी, गाड़ी में ना बहुत तगड़ा पिकअप मिलता है। जैसे पहले दूसरे गियर पे ना गाड़ी में एकदम से अगर पंजा भागो तो गाड़ी भाई बहुत तेज़ भागती, एकदम से उठ के भागेगी, वो चीज़ भाई गाड़ी में है। मतलब पेट्रोल गाड़ी कहीं से लगना रही है भाई, 200 Nm का टॉर्क मिल रहा है, मजाक थोड़ी नहीं है भाई। किस गाड़ी में मिलेगा आपको इस सेगमेंट की में, जैसे मैं क्लच बैठाऊँ गाड़ी को देखना, वैसे RPM इसकी ये देखो, मतलब भाई एकदम से उठती गाड़ी बहुत तेज़, 200 Nm का टॉर्क भाई यही काम करता है। और पेट्रोल है वो देख लो, डीजल में तो भाई और तगड़ा इसके जो पावर है वो है इसमें। अब जैसे भाई एक बार भाई बना के दिखाओगे, एक बार बनाना भाई साइड दे, वहाँ की लेना बस, रोड की लेना, मेरी मत लेना। भाई काफ़ी स्मूथ है, मतलब है ना गियर शिफ्टिंग भी वो सही है। भाई झटके से गाड़ी पिकअप पकड़ती है बहुत आराम से गाड़ी, मतलब मैंने आराम से उठती है, कोई दिक्कत नहीं गाड़ी में से, सही है बहुत। बंद करना